सो वी आर स्टार्टिंग विद ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर आपको बहुत एंड में जाके समझ आएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आइडिया देता हूँ। देखिए, ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है, यू जस्ट सेलेक्ट द आयरन। ये सपोज मेरे पास आयरन है, राइट। अच्छा, अब आप करते क्या है कि ये सपोज आयरन की स्ट्रिप है कोई, या आयरन का कोई जो है वो शीट है। अच्छा, नाउ वी एक्चुअली डू इन ऑर्डर टू मेक द ट्रांसफॉर्मर, व्हाट वी एक्चुअली डू इज, सपोज दिस इज मेड अप ऑफ आयरन, नाउ व्हाट यू एक्चुअली डू, आप इसमें आप करते क्या है कि आप इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी आयरन शीट्स जो है वो एक साथ स्टिक कर देते हैं। तो ये कुछ इस शेप की आपके पास बन जाता है जब आप बहुत सारी आयरन शीट्स को जो है वो पाइल अप कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। बहुत सारी ये आयरन शीट्स है, दीज आर मैनी आयरन शीट्स ज्वाइन टूगेदर। तो दिस इज कॉल्ड कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। सो कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड। नंबर वन, इट इज लेमिनेटेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमिनेशन? लेमिनेटेड मीन्स मैनी मैनी थिन शीट्स जॉइंट टुगेदर। नाउ द सेकेंड क्वालिटी ऑफ दिस कोर इज इट इज इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि the core is covered with कोर इज कवर्ड विथ सम इंसुलेटिंग लिक्विड। द कोर इज कवर्ड विथ सम इंसुलेटिंग लिक्विड। इंसुलेटिंग लिक्विड से कवर्ड होता है ये जो कोर है, ये इंसुलेटिंग लिक्विड से कवर्ड होता है। लाइक दिस सर, ये हॉलो होता है अंदर से? नहीं, ये बीच में से हॉलो होता है, बाकी ये साइड से पूरा जो है वो थिन शीट्स होती हैं इसमें ना, बहुत सारी। ये बॉक्स है? नहीं, बॉक्स नहीं है, थिन शीट्स है। और ये पूरी जो है वो सॉलिड होता है, यहाँ से ना सब जगह से ऐसे सॉलिड होता है। मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ इसका। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि ये असल में दिखता कैसे। तो ये मैं आपको अभी, असल में मेरी ड्रॉइंग इतनी कोई खास नहीं है तो मैं इसको इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सर, ये आपने ऊपर से दिखाया है? हाँ, अभी मैं आपको इसकी रियल पिक्चर दिखाता हूँ ना गूगल पे। कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, देखें बेटा ये ऐसा होता है, इस तरीके का होता है, ये नजर आया, इस तरीके का होता है। देखे हिबा, विजुलाइज हुआ? और भी बाकी बच्चे भी देखें बेटा, ये ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है इट लुक्स लाइक दिस। द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर लुक्स लाइक दिस। इट इज थिन शीट्स, सेवरल थिन शीट्स आर ज्वाइंट टूगेदर टू मेक द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। सेवरल थिन शीट्स आर मेड टूगेदर टू मेक द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। Several thin sheets are joined together to make the core of a transformer.
ठीक है जी। तो ट्रांसफार्मर जो है वो कुछ इस तरीके का हमारे पास जो है वो दिखता है, और ट्रांसफार्मर को जो है वो बीच में जो है वो एक कोर होती है, और वो बहुत सारी थिन शीट्स ऑफ आयरन को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है। ये देखिए मैंने इसमें नोट्स में भी इन कर दिया है इस शीट को ना, ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो दिखता है, कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गई बात ये वाली ना, कि हाउ द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर लुक्स लाइक। सो दिस इज हाउ द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर लुक्स लाइक। अच्छा अब हम करते क्या है कि आपने इसके इस साइड पे स्टार्ट कर दी कॉइलिंग, यानी कि यहाँ पे आपने इसमें कॉइल अटैच कर दिया। अच्छा कॉइल में थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा वाजे समझ आ जाए। ये जो है वो इसके ऊपर मैंने कॉइल कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक वायर को मैंने कॉइल कर दिया है, ठीक है। अच्छा वायर को जब मैंने कॉइल किया तो दिस कॉइल इज नाउ अटैच टू सम सप्लाई विच इज पर्टिकुलरली एन ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, और ये मैंने यहाँ पर ये वाले साइड को भी कॉइल किया और इसको ले जाके मैंने कनेक्ट कर दिया। आई एम कनेक्टिंग इट विद सम लोड एंड दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड, दिस साइड इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल किसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल हम इसको बोलते हैं जो आपका इनपुट कॉइल होता है। अच्छा ये प्राइमरी कॉइल है, इनपुट कॉइल भी कहते हैं इसको, और ये कौन सी साइड है जहां पर सप्लाई कनेक्टेड होती है? सप्लाई इज कनेक्टेड, अच्छा, और ये वाली जो साइड है ये आपकी कहलाती है आउटपुट कॉइल, आउटपुट भी कहते हैं इसको, आउटपुट कॉइल भी कहते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल भी कहलाता है ये, ठीक है। और ये कौन सी साइड होती है? वेयर द लोड इज कनेक्टेड, मतलब जहां पे हम कोई लैंप वगैरह कोई चीज कनेक्ट कर देते हैं वो आपकी सेकेंडरी कॉइल कहलाती है, ठीक है। अच्छा अब मैंने प्राइमरी कॉइल को जितनी दफा टर्न किया है ना वो एनपी कहलाता है, और जितनी दफा मैंने सेकेंडरी कॉइल को टर्न किया है वो एनएस कहलाता है। तो एनपी का मतलब होता है, एनपी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अच्छा अब इसके अंदर एक करंट चल रहा होगा लाजमी ना कोई करंट फ्लो हो रहा होगा बेटा इसके अंदर, तो इसको हम लोग कहते हैं आईपी, और इसके अंदर भी कोई करंट फ्लो कर रहा होता है उसको कहते हैं आईएस। तो आईपी का मतलब होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल, और आईएस का मतलब होता है करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है जी। अच्छा अब दूसरी चीज, यहां पे कोई ना कोई वोल्टेज होगा इस कॉइल के अंदर उसको बोलते हैं वीपी, और इस कॉइल के अंदर भी कोई वोल्टेज होगा उसको कहते हैं वीएस। तो वीपी का मतलब होता है वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, और वी एस का मतलब होता है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। तो अभी तक तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा आपको टॉपिक के, इसके अंदर ये सीधी सीधी चीजें,
primary coil, secondary coil. These are very, very straight things. अच्छा अब देखें, अब इसकी वर्किंग कैसे होती है. हम लोग अगर देखें तो इसकी सर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में डिफरेंस क्या होता है. देखें प्राइमरी कॉइल के साथ सप्लाई कनेक्टेड होती है और सेकेंडरी कॉइल के साथ लोड कनेक्टेड होता है. तो जो लोड वाली साइड होती है ना वो सेकेंडरी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वन. और जो ये वाली होती है हमारे पास जो सप्लाई वाली साइड होती है बेटा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड प्राइमरी कॉइल. इसको हम प्राइमरी का नाम दे देते हैं, ठीक है. अच्छा अब इसकी वर्किंग क्या है. देखें ये जो कोर लगी हुई है ना बेटा बीच में जो कोर है ना ये इंसुलेटेड है. ये जो बीच में कोर है ना दिस इज इंसुलेटेड कोर है और साथ के साथ लैमिनेटेड भी है. लैमिनेटेड का मतलब मैंने बता दिया है कि मैनी थिन शीट्स आर जॉइंट टुगेदर और इंसुलेटेड है ये. तो इंसुलेटेड का मतलब ये है कि प्राइमरी कॉइल के साथ तो एक सप्लाई अटैच्ड है हमारे पास ना. प्राइमरी कॉइल के साथ तो एक सप्लाई अटैच्ड है. अब ये जो सप्लाई इसके साथ अटैच है, प्राइमरी कॉइल के साथ तो एक सप्लाई अटैच है ना, तो प्राइमरी कॉइल के साथ जो सप्लाई अटैच है उसमें तो डेफिनेटली प्राइमरी कॉइल में जो करंट आ रहा है ये फ्रॉम द सप्लाई आ रहा है. प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो फ्रॉम सप्लाई आ रहा है. अच्छा अब ये कोर बीच में जो है ना ये इंसुलेटेड है, तो इसका मतलब है कि ये करंट कंडक्ट होके कोर के थ्रू सेकेंडरी कॉइल में नहीं पहुंच सकता. तो बेटा फिर ये कोर में करंट कहाँ से आ रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा, और ये कोर में वोल्टेज कहाँ से आ रहा है ये भी सोचना पड़ेगा. सॉरी कोर कह रहा हूँ, सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज और करंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा ना. देखें बीच में आयरन तो है, ये बीच में आयरन तो है, आयरन कोर तो है, मगर आयरन कोर इज इंसुलेटेड, मतलब इसमें से करंट पास करके सेकेंडरी कॉइल में एंटर नहीं कर सकता. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइड पे मैं कहीं लिख देता हूँ कि इन प्राइमरी कॉइल करंट एंड वोल्टेज इज इन प्राइमरी कॉइल करंट एंड वोल्टेज इज फ्रॉम द सप्लाई इज फ्रॉम द सप्लाई but it cannot pass to secondary coil as core is insulated. क्योंकि कोर जो है वो इंसुलेटेड है. दीदी बेटा वो अभी देखेंगे हम, वो जो ट्रांसफार्मर इक्वेशन है ना वो अभी देखते हैं, इसमें बिल्कुल आएगी वो, अभी उसको देखते हैं. तो ये मैंने अभी सिर्फ इसका ये वाली बात बताई है, ठीक है. तो अब मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ गया, द क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी इज के आपके पास ये किस तरीके से जो है वो सेकेंडरी कॉइल में करंट और वोल्टेज आ रहा है जबकि बीच में आपके पास इंसुलेटेड कोर है. तो इसके पीछे हमें रीजन जानना पड़ेगा. अच्छा अब देखें होता क्या है कि जब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है ना, तो प्राइमरी कॉइल में जो करंट अटैच्ड है वो अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब ये सप्लाई लगी हुई ना इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट है. अच्छा अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता है, यानी कि एक दफा ये ऐसे फ्लो करेगा सामने से कॉइल में एंड फॉर सेकेंड वे द करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस इन द कॉइल. The direction of current will keep on changing in the coil. यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा सा हो गया है तो मैं इसको जो है वो आगे भी एक दफा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं. देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली कोर बना दी. अब मैं कोर में ज्यादा डिजाइनिंग नहीं कर रहा क्योंकि इसमें मुझे चीजें लिखनी है अभी ना.
आप लोगों को समझाने के लिए इसमें चीजें अभी मुझे लिखनी है। देखिए जितनी बातें मैंने समझा दी हैं वो बातें बस ध्यान में रखिएगा। अच्छा अब देखें, ये मेरे पास कोई कोर है, कोर की क्वालिटी मैंने आपको बता दी है कि इंसुलेटेड होती है और ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा अब देखें इसके अंदर जो है वो, ये कोई भी कोर है ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। अच्छा अब मैंने यहां पर जो है वो कॉइल कर दिया, इसमें यहां पे एक कॉइल है, ठीक है। अच्छा इस कॉइल को ले जाके आई एम मेकिंग इट टू कनेक्ट विद द ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, और ये वाला जो कॉइल है ये मैंने कनेक्ट कर दिया किसी लोड के साथ, ना किसी लैंप के साथ, किसी चीज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए हो क्या रहा है कि एक दफा डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इस तरीके से होगी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी बार बार, और एक दफा डायरेक्शन ऑफ करंट प्राइमरी कॉइल में इस तरीके से होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट बार बार चेंज होगी। तो हम ये लिख सकते हैं प्राइमरी कॉइल हैज एन अल्टरनेटिंग करंट, प्राइमरी कॉइल हैज एन अल्टरनेटिंग करंट, सो इट जस्ट keep on changing its direction. तो alternating current बार बार अपनी direction change करेगा। अच्छा अब अगर आप अपना group एक दफा check कर लें तो मुझे आसानी हो जाएगी। group पे मैं एक video भेज रहा हूँ, वो group जरा check कर लेगा अपना। बेटा ग्रुप में एक वीडियो भेजिए, वो फौरन से देखें सब, फिर मजा आएगा आपको टॉपिक सुनने का, वो देखें। बेटा अभी के अभी वीडियो देखें आप लोग ना सारे जो मैंने ग्रुप पे डाली है,
वो देखेंगे तो आपको कुछ बात आगे कनेक्ट करूंगा मैं। जी बेटा देखिए, आप लोगों ने जरा जल्दी करिएगा इस चीज में, वीडियो देखिए, दो वीडियोस डाली है मैंने। सर ऐसे हम क्या बोलेंगे, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या नहीं 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 फील्ड? नहीं 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 हम इसको क्या बोलेंगे वो मैं लिख देता हूँ। देखें, प्राइमरी कॉइल हैज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, सो इट जस्ट कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो पोल्स पोल्स विल कीप ऑन चेंजिंग ऑन द प्राइमरी कॉइल, सो पोल्स ऑन कीप ऑन चेंजिंग ऑन द प्राइमरी कॉइल, ये बोलेंगे इसको। देखिए बेटा, अजान देख लिया आपने, अनाया, एहसान, हाइफा, हानिया, हिबा, जोरेज, जुनैर, आप लोगों ने देख ली वीडियोस। ठीक है, तो अच्छा अब देखें होगा क्या, अब देखें होगा क्या, नॉर्थ से जब नॉर्थ पोल नीचे होगा ना यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से चलेंगी और ये सेकेंडरी कॉइल के थ्रू कट होंगी और फिर इस तरीके से आ जाएंगी लाइक दिस। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चलेंगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेफिनेटली नॉर्थ पोल ऊपर चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चलेंगी और फिर ये सेकेंडरी कॉइल के थ्रू कट करेंगी। तो हो क्या रहा है, प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना, मतलब बार बार उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच विल चेंज थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, विच विल चेंज थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, सो सेकेंडरी कॉइल, सो सेकेंडरी कॉइल will have an induced EMF or current according to Faraday's law. बेटा अगर डीसी होगा तो लैंप विल जस्ट ब्लिंक एंड टर्न ऑफ और बस खत्म हो जाएगा, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन एसी। देखिए बेटा, प्राइमरी कॉइल के अंदर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जो कि सेकेंडरी कॉइल के थ्रू बार बार चेंज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल हैविंग
हैविंग रेट ऑफ, हैविंग रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी वक्त के साथ साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है वो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही है. सेकेंडरी कॉइल हैविंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स सो इट हैज इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट. तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. तो इसके अंदर जो करंट चल रहा है ना प्राइमरी कॉइल में आईपी, ये इंड्यूस करंट है, ये आपका इंड्यूस करंट है. और जो इसके अंदर वोल्टेज है वो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज है. बेटा यहाँ पे मैं बात रोक रहा हूँ, आप लोग बताएं यहाँ तक समझ आई कुछ बात. प्राइमरी कॉइल को मैंने अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से अटैच किया हुआ है, जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो पोल्स हैं वो बार बार फ्लिप हो रहे हैं. फ्लिपिंग पोल्स या चेंजिंग लोकेशन ऑफ द पोल्स की वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो कि सेकेंडरी कॉइल के थ्रू चेंज हो रही है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है. हाँ भाई क्या कहेंगे आप लोग, सारे बच्चे बताएं जरा, ये बात समझ आई आपको? जी बेटा एहसान, अनाया क्या बोलेंगे, अजान, हाइफा आपने भी आज ज्वाइन किया है, हानिया, हिबा, उमेज, जोरेज, जुनेर, जी अनाया समझ आया आपको बेटा? आप बताएं जुरेज, जुनेर, जी बेटा सबको क्लियर है ये वाली बात? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ठीक है जी, बेस्ट है. अच्छा अब एक बात याद रखिएगा, हमारे केस में जो ट्रांसफॉर्मर्स इंक्लूडेड है ना वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स हैं. कौन से ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ते हैं हम लोग? आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स. तो बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स वो होते हैं जिसमें इनपुट पावर अच्छा इनपुट पावर या इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकालते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. तो इनपुट पावर होगा वोल्टेज ऑफ प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय करंट ऑफ प्राइमरी, ठीक है, और आउटपुट पावर होगा वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इनटू करंट ऑफ सेकेंडरी, ठीक है. तो आप याद रखिएगा आइडियल ट्रांसफॉर्मर में इनपुट पावर यानी कि प्राइमरी कॉइल का पावर बराबर होता है सेकेंडरी पावर के, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, इसमें कोई लॉसेस होते नहीं है. और आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी है वो 100% होती है. तो ये आउटपुट पावर के बराबर होगा, इनपुट पावर विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वीपी इंटू आईपी इज इक्वल्स टू वीएस इंटू आईएस. तो अगर मैं वीपी एक तरफ कर दूं तो इक्वेशन बनेगी वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल्स टू आईएस अपॉन आईपी
इज इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई पी। अच्छा, और एक बात और याद रखिएगा, अभी हम आगे जाके देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, यानी जिस तरफ के टर्न्स ज्यादा होंगे ना उस तरफ का वोल्टेज ज्यादा होगा और करंट लो होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। अभी हम आगे जाके सीखेंगे कि जिस कॉइल के अंदर करंट ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो रिलेटिवली कम होंगे। तो इस इक्वेशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन पी अपॉन एन, यहाँ पे लिख देते हैं एन पी अपॉन एन एस। तो ये हमारे पास एक माइटी इक्वेशन आ गई, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन वैसे मैंने तो एक ही करके पढ़ाई है, आप इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू, सॉरी एन एस कह रहा हूं, एन पी अपॉन एन एस, आप इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू वी पी अपॉन वी एस, कोई एक चीज अननोन होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आई पी। थर्डली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आई पी। तो ये तरीका हो सकता है हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशंस को, ठीक है जी। अच्छा, आज मैंने आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन बताई है, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग बताई है और ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन बताई है। अब इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा और उसको कंक्लूड कर देंगे हम अगली क्लास में, फ्राइडे को खत्म हो जाएगा मैग्नेटिज्म। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर की जो टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं, एक होता है स्टेप अप, ये हल्का सा सुन लें इसके बारे में, द वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप अप एंड अदर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप डाउन। नाउ व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? जी जी बेटा, न्यूमेरिकल्स ट्रांसफॉर्मर के होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, जब इक्वेशन आ गई तो ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अच्छा, अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैसा दिखता है, देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का सिर्फ आज हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, थ्रो दे देता हूँ। देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की जो लुक होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आप देखिएगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है आप लोग खुद समझ जाएंगे मेरे ख्याल से, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या फर्क है, ये देखें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, कोई डिफरेंस नजर आया आप लोगों को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में? यहाँ पे एनपी कम होते हैं और एनएस ज्यादा होते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ज्यादा होते हैं। इसी तरह से जहां के टर्न ज्यादा होते हैं वहां का वोल्टेज भी ज्यादा होता है, मगर करंट जो है वो उल्टा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे किसी भी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आपके पास बिल्कुल अपोजिट चीजें देखने में आएंगी, 100% अपोजिट चीजें देखने में आएंगी। और होगा क्या कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में यहाँ के टर्न ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी साइड के टर्न ज्यादा होते हैं, यहाँ के टर्न ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी साइड के टर्न रिलेटिवली कम होते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा एनपी के टर्न ज्यादा होते हैं एनएस से, और वीपी जो है वो हायर होता है वीएस से, और करंट ऑफ प्राइमरी इस केस में कम होगा करंट ऑफ सेकेंडरी से। जी एग्जैक्टली अच्छा जी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम कर देता है और करंट को बढ़ा देता है, ये हम कल भी सीखेंगे अगली क्लास में।
और स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को कम कर देता है। बेटा ऊपर जो मैंने बनाया था ना वो इन जर्नल था, मतलब ऐसे ही बनाया था, उसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया था इस चीज को ना। पहले तो मैं ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन सिखा रहा था, फिर मैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग सिखा रहा था, अब मैंने ट्रांसफार्मर की टाइप्स बताई है, तो मैंने इस चीज को बहुत वाजह किया है इसमें ना, पहले मैंने इतना क्लियर नहीं किया था इस चीज को। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ट्रांसफार्मर की टाइप्स को फिर ये के अगली क्लास में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, आज बस यहीं तक रखेंगे।